शुभ शुभ सरकार जो है उनकी नेटवर्थ जो है वो 11 अरब रुपए है। 11 अरब रुपए है तो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो नहीं अच्छा। नहीं, मैं तो उन्हें कहूंगा कि आपको मुंह धो के दिखा देना चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं उनको शुभ शुभ को? हाँ, मेरी तरफ से तो पक्का चैलेंज है। आवाम पागल हुई उनके पीछे, ये शुभ शुभ सरकार के पीछे। देखिए, उनको मारा पीटा गया है लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनके हम दा देते इस चीज पे ग्रामीण साहब को। अच्छा, जिसके चेहरे पे नूर बरसता है उसको तो मुंह धोने में कोई मसला नहीं होता? नहीं, वो तो कुमल होता है। जब चैलेंज करते हैं उनको कि शुभ शुभ साहब आप दिखा दें मुंह धोकर। मैं तो कह रहे मुंह धोकर दिखा दें। इंसान जो मर्जी कर ले, दुआ फकीरा और रहम अल्लाह, जिसने रहम करना उसने रहम ही करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एनपीजी मीडिया के साथ मैं शारिक अली हूँ और आज बात करने जा रहे हैं इकरारुल हसन के उस चैलेंज पर जो उन्होंने हक खतीब को दिया है। अब इकरारुल हसन का दावा है कि हक खतीब जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर नूर बरसता है वो एक मेकअप इस्तेमाल करने वाले शख्सियत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौम को अपना मुंह धोकर दिखा दें। इकरारुल हसन ने ये चैलेंज ना सिर्फ उन्हें दिया है बल्कि कौम से ये अपील की है कि कौम भी जो है हक खतीब से ये चैलेंज करे कि वो हक खतीब जो है कौम को मुंह धोकर दिखाएं। अब लोगों से जानते हैं क्या वो इकरारुल हसन के इस चैलेंज में शामिल होते हैं, क्या वो चैलेंज करते हैं हक खतीब को कि एक मर्तबा मुंह धोकर दिखाया जाए और पता चले कि आपके चेहरे पर नूर बरसता है या ये सिर्फ और सिर्फ पाउडर और बेस का कमाल है। आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इकरारुल हसन साहब और शुभ शुभ वाले बाबा जी जो हैं उनके दरमियान एक बड़ा चैलेंज चल रहा है। आज इकरारुल हसन ने एक नया चैलेंज दिया और कौम को कहा कि आप भी ये चैलेंज दें उनको। इकरारुल हसन ने कहा है कि शुभ शुभ सरकार सिर्फ और सिर्फ कौम को अपना मुंह धोकर दिखा दे, क्या आप ये चैलेंज देते हैं? इकरारुल हसन के साथ चलते हैं आप? इकरारुल हसन ने जो कहा उसका तो मुझे आईडिया नहीं है, बट इकरारुल हसन के साथ चलते हैं जो उन्होंने बोला। वो कह रहे हैं कि मुंह धो के सिर्फ दिखा दे। ये जो शुभ शुभ वाले बाबा जी कहते हैं ना ये कि मेरे चेहरे पे नूर बरसता है, ये तो सिर्फ मेकअप है, ये सिर्फ मुंह धोकर दिखा दे। और वो कहते हैं कि कौम भी जो है ना मेरे साथ ये चैलेंज उनको दे। हाँ, तो देने चाहिए ना उसको। वो क्यों इस तरह की बातें कहते हैं कि शुभ शुभ के मुंह धो के दिखा दें, ये कर दें वो कर दें, तो हम भी उनके साथ इकरारुल हसन के साथ उनको चैलेंज देते हैं। अच्छा, पता चला है कि शुभ शुभ सरकार जो है उनकी नेटवर्थ जो है वो 11 अरब रुपए है। इसका तो मुझे आईडी नहीं है। 11 अरब रुपए है तो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो नहीं अच्छा नहीं है। अब हम सब इतना पढ़ लिख के जो है कितना कमा रहे हैं, लाख रुपए महीने का बड़ा समझते हैं, बहुत ज्यादा है, और वो 11 अरब रुपए सिर्फ आंखों से चेने निकाल के सोना, इसका मतलब सोने की चेने निकलती? बिल्कुल नहीं निकलती। ले जी, आवाम भी जो है वो चैलेंज दे रही है इकरारुल हसन साहब के साथ है और शुभ शुभ सरकार को जो है वो चैलेंज दे रही है कि आप अपना मुंह धोकर दिखाएं। आवाम का मुतालबा जो है अब जोर पकड़ गया है और भी लोगों से जानते हैं क्या वो इस चैलेंज का हिस्सा बनते हैं। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी सारा मामला मैंने आपको जैसे बताया है। इकरारुल हसन साहब ने अब चैलेंज किया शुभ शुभ वाली सरकार को कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपना मुंह धोकर दिखा दें। आप जो कहते हैं आपके चेहरे पर नूर बरसता है ये सिर्फ मेकअप की करामत है, आप समझते हैं ये मेकअप की करामत है? हाँ यार, इस मामले पे ना मुझे पता लगा था, लेकिन ये देखें ना, इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी पीर है या कोई वली है ना वो शरीयत का पाबंद होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी यानी कि सवाल से पूछा जाता है ना इस मामले में इस्लामिक, तो वो ओपन कहेगा कि मैं आवाम के सामने आता हूँ, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे ख्याल से इकरारुल हसन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर वो जो कह रहे हैं ओपनली उनका जवाब दें और चीज़ को मेक श्योर करें कि मैं ठीक हूँ। देखें ना, ये चीज़ है, मैं तो उन्हें कहूँगा कि आपको मुंह धो के दिखा देना चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं उनको शुभ शुभ को? हाँ, मेरी तरफ से तो पक्का चैलेंज है जी। आवाम का जो है दूसरा चैलेंज आपको आ गया और आवाम आपको चैलेंज कर रही है कि आवाम क्या आप भी चैलेंज करते हैं कि मुंह धो के दिखाया जाए? बेशक बेशक करना चाहिए, क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने सही कहा, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले भी जाली पीर पकड़े हैं, बहुत ज़्यादा पकड़े हैं, क्योंकि आवाम पागल हुई है उनके पीछे, ये शुभ शुभ सरकार के पीछे। देखिए, उनको मारा पीटा गया है लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनके हम दा देते इस चीज़ पे इकरारुल हसन साहब को कि उन्होंने ये काम किया। मैं चैलेंज करता हूँ ये शुभ शुभ सरकार अपना मुंह धो के दिखाए। बहुत अच्छा जी, चैलेंज जो है आवाम जो है वो धड़ाधड़ चैलेंज दे रही है शुभ शुभ सरकार को और आवाम का यही मुतालबा है कि सिर्फ और सिर्फ मुंह धोकर दिखाएं। और मेरा ख्याल है कि मुंह धोकर दिखाना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि जो निभाया नहीं जा सकता, जो पूरा नहीं किया जा सकता। ये एक छोटा सा चैलेंज है, अगर कोई मुझे कहे आप मुंह धोकर दिखाएं तो क्यों नहीं मुंह धोकर दिखाया जा सकता? क्या है ऐसा जिस बात पर जो है वो एतराज़ होता है? इकरारुल हसन साहब ने अगर कहा है मुंह धोकर दिखाया जाए तो मुंह धोकर दिखाएं, मुंह धोकर दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुंह धोकर दिखाने से ही जो है वो असलियत जो है वो सामने आएगी सबके। यार मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं और इनकी ढेर उम्र है, हमसे ज्यादा हर चीज़ को जानते हैं, ये भी खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इकरारुल हसन साहब एक एंकर पर्सन है और एक पीर हैं शुभ शुभ वाले बाबा जी, हाँ खतीब साहब। इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि ये जो शुभ शुभ कहता है कि मुझ पर नूर बरसता है, चेहरे पर नूर है, वो सिर्फ अपना मुंह धोकर दिखा दे।
आपका क्या ख्याल है, ये मुतालबा उनका दुरुस्त है? लगता तो ये जैसे वो कह रहा है दुरुस्ती होगा ना भाई बेटा, दुरुस्ती होगा जैसे वो बोल रहा है। आवाम भी बिल्कुल ये मुतालबा करे कि मुंह धोकर दिखाया जाए, क्या आप मुतालबा करते हैं ये? नहीं नहीं, देखो उसको अल्लाह पाक ने चेहरा बनाया हुआ ना जी जी, वो जैसे अल्लाह पाक ने चेहरा बनाया था वो नूरी बरसता है ना, जैसे मौलवी आदमी है जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं उसमें नूरी बरसता है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और इनकी दुआओं से बल्कि अल्लाह के करम नवाजी से ये मुल्क चल रहा है। लेकिन हमारे जैसे मैं महंगाई है ना, जो कमाते हैं वही खाते हैं, हर चीज़ महंगाई है, महंगाई में तरफ ये बस महंगाई लेके जा रही है हमें। अच्छा, जिसके चेहरे पे नूर बरसता है उसको तो मुंह धोने में कोई मसला नहीं होता? नहीं, वो तो कोई मसला होता है। जब चैलेंज करते हैं उनको कि शुभ शुभ साहब आप दिखा दें मुंह धोकर। मैं तो कह रहा हूं मुंह धोकर दिखा दें, मुंह धोकर दिखा दें जी आप, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें ताकि आपका मुंह धुले और इनको भी पता चल जाए कि इस चेहरे को धोने के बाद भी नूर बरसता है या ये सारा कुछ जो है सुर्खी पाउडर का कमाल होता है, सुर्खी पाउडर से ये खूबसूरती है या ये एक जेन्युइन खूबसूरती है, ये अल्लाह ताला की अता करता खूबसूरती है, ये वाकईतन नूर बरसता है या ये वो मेडोरा और स्विस जो है उसका कमाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुझे बताएं कि इकरारुल हसन साहब ने हा खतीब शुभ शुभ वाले बाबा को ये चैलेंज दिया कि आप मुंह धोकर दिखाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कौम भी उनको चैलेंज करे कि मुंह धोकर दिखाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मेरे चेहरे पर तो नूर बरसता है, वो कहते हैं जी मेकअप होता है। अब आपको क्या लगता है? मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मैं इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। नहीं, मैं इन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ ना, मैं इन लड़ाइयों में पढ़ता हूँ ना, इन चीज़ों पर फोकस करता हूँ बस। लेकिन आप ये मुतालबा तो कर सकते हैं कि मुंह धोकर दिखाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी? नहीं, मैं उससे मुतालबा नहीं करूँगा, बेकार बंदे से। बेकार बंदा है यानी कि? जी बेकार, बात ही खत्म कर दी कि वो है बेकार आदमी। जी मुझे बेकार लगे, मुँह धोए ना धोए बेकार आदमी। ओ यार मैं आपको क्या बताऊँ, बस ये कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये सादा जवाब उन्होंने दिया कि कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है और हर इंसान को जो है इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। ये तो कॉमन सेंस है ना, हर बंदे को ये पता होता है और ये पूछने वाली बात ही नहीं है। स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? छोटा सा सवाल है, बुक समझता हूँ बड़ी, एक इल्मी बुक है। इकरारुल हसन साहब ने अब शुभ शुभ वाले बाबा को चैलेंज दिया कि आप मुंह धोकर दिखा दें, क्योंकि वो कहते थे मेरे चेहरे पर नूर बरसता है, तो आप समझते हैं ये चैलेंज ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सही, क्योंकि ये दरअसल वैसे इस्लाम के हिसाब से गलत कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको मुंह धोना चाहिए बल्कि दिल भी धोना चाहिए, उसका दिल भी साफ होना, दिल भी साफ होना। बड़ा मुतालबा इन्होंने कर दिया कि ना सिर्फ मुंह धो के दिखाएं, दिल भी धो के दिखाएं, तो अगर मुंह धो दिया तो इस्लाम दरअसल बदनाम हो रहा है इन छोटे छोटे उलमा की वजह से, तो मैं कहता हूँ ये सही है कि उन मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए इसके हिसाब से। बिल्कुल जी, खतीब साहब एक और दोस्त ने चैलेंज कर दिया आप मुंह धोकर दिखाएं, आगे भी देखते हैं लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई जान, इकरारुल हसन साहब ने चैलेंज दिया खतीब को शुभ शुभ वाले बाबा को कि मुंह धोकर दिखा दें आप, क्योंकि वो बाबा जी कहते हैं मेरे चेहरे पे जो है वो नूर बरसता है। अब इकरारुल हसन साहब ने कहा सिर्फ मुंह धोकर दिखा दें, आप समझते हैं ये चैलेंज ठीक है? क्या कह सकते हैं यार भाई जान, मुंह भी धो लेंगे तो नजर आ जाएगा क्या है क्या पता चल जाएगा। अरे वाह, तो आप मुतालबा करते हैं कि मुंह धोकर दिखाया जाए? यार अब क्या हम कह सकते हैं यार, मेरे भाई अल्लाह ही जानता है क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल सही है, उसकी उसकी ताकत के आगे कोई जोर तो नहीं ना है। बिल्कुल सही है, इंसान जो मर्जी कर ले, दुआ फकीरा और रहम अल्लाह, जिसने रहम करना उसने रहम ही करना है, जिसने करम करना उसने करम ही करना है। बिल्कुल सही है जी, दुआ फकीरा रहम अल्लाह। तो नौजवान मौजूद हैं, नौजवान सामने हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया चलाते होंगे? नहीं भाई, हमने सोशल मीडिया नहीं भाई। अच्छा, इकरारुल हसन साहब को तो जानते हैं? नहीं भाई, मुझे भी नहीं जानते। तुझे तो जान रहे, तो मुझे जानते हैं। चले इकरार साहब, ये अच्छी बात है कि ये आपको जानते हैं या नहीं जानते, मुझे लाजमी जानते हैं, शुक्रिया इनका, बहुत शुक्रिया। इकरारुल हसन साहब ने कहा है वो शुभ शुभ वाले बाबा को कि आप मुंह धोकर दिखा दें सिर्फ, उन्होंने मुतालबा किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुँह धोकर दिखा दें, आपको लगता है ये मुतालबा दुरुस्त है? नहीं भाई, थोड़ा कंफ्यूज हैं, थके हैं, बात करना नहीं चाह रहे, नहीं समझ लगी बात। बता क्या भाई, सिर्फ और मेरी बात सुनी है, सारी दो नंबर ही है, ठीक है, हर तरीके हर चीज़ सिखाई हुई है उन्हें, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है। और यार सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो माँ बाप, ठीक है, सूरत उससे बड़े कोई पीर नहीं है, ठीक है। ये बंदे चले जाते हैं, जो थोड़ा सा घर में मसला हो जाए, बच्चा रात को ख्वाब देख कर डर जाए, चलो जी बाबा जी के पास, बाबा जी कहते हैं ले आओ मिठाई, ले आओ ये भी चीज़ें, ठीक है, मिठाई किधर जाती है, बाबा जी खाते हैं ना, वही ना, बाबा जी खुद ही खाते हैं ना, चीज़ें तो नहीं आगे कहती कि लाओ जी मुझे मिठाई खिलाओ, मुझे मुर्गी खिलाओ, मुझे बकरे खिलाओ, हाँ वही ना, बकरे खिलाओ, चीज़ें ऐसी बातें नहीं करती। इकरार साहब ने कहा है कि सिर्फ मुंह धो के दिखा दें, क्योंकि वो कहते हैं मेरे चेहरे पे नूर बरसता है,
इकरार साहब ने कहा अगर आपके चेहरे पे नूर बरसता मुंह धोके दिखा दे। नमाज पढ़ने वाला कोई भी बंदा होगा ना, अरे बाबा, जितनी दफा वो मुंह धोगा ना नूर वैसे ही चमकेगा चमकेगा। तो फिर मुंह धोके दिखा देना चाहिए ना, दिखा देना चाहिए, लाजमी है। इसमें पर्दे वाली कौन सी बात है, एक बात है वैसे तो नहाते भी नहीं होंगे जो बंदा मुंह नया 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 चैलेंज कर दिया, जो बंदा मुंह नहीं धो रहा वो नहाता भी नहीं होगा, पक्की बात है। बाबा जी आपके नहाना जो है वो मशकूक हो चुका है, अब आप मुंह लाजमी धो के दिखा। बेहतरीन एक ही बात है कि एक शॉपर लें वो ऊपर ले लें, उसके ऊपर ही पानी डाली जाए। ले जी, इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो एक तरीका कर बता दिया कि अगर आप मुंह नहीं धोते, अगर नहाने से डरते हैं, अपने ऊपर शॉपर पहने और शॉपर पहन के जो है ना अपने ऊपर पानी फेंक लें ताकि आपका जो पानी से डर है वो भी खत्म हो जाए। आगे दुकानदार क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब वो झूठे पी रहे हैं, जैली पी रहे हैं, जिनको इकरारुल हसन साहब ने ये चैलेंज दिया है कि आप कहते हैं आपके चेहरे पे नूर बरसता है, रिमझिम होती है, आप सिर्फ और सिर्फ कौम के सामने अपना मुंह धोकर साबुन के साथ दिखा दें। और मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, किसी को अगर कहा जाए मुंह धोकर दिखा दो तो मुंह धोने में कौन सी कबाहत है, कौन सा मजायका है। इकरारुल हसन साहब ने अब जो है मुझे वो कहते हैं पंजाबी में कि गर्दन से पकड़ लिया, यहाँ से गर्दन दबोच ली है, अब उनसे हिला नहीं जा रहा पीर साहब से। पीर साहब अगर आप मुंह धोकर नहीं दिखाएंगे तो हम सब यही समझ लेंगे कि आप वाकई जो है, अभी तक हमें यकीन तो है लेकिन हमारा यकीन मजीद आए रोज जो है पुख्ता होता जाता है। और इकरारुल हसन साहब के बकौल आपकी 11 अरब रुपये जो नेटवर्थ है, जिससे सुन के जिसे सुनने के बाद नौजवान खासा जो है वो डिप्रेस है कि हम इतनी मेहनत करने पढ़ने लिखने के बावजूद चंद टके कमा रहे हैं और आप शुफ शुफ करके जो है वो 11 अरब के मालिक बन गए हैं, ये सारा राज क्या है। आपको चैलेंज दिया जाता है, मैं शारिक अली आपको चैलेंज करता हूँ, अवाम आपको चैलेंज करती है, इकरारुल हसन आपको चैलेंज करता है, आप मुंह धोकर दिखाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इजाजत दीजिए अपने मेजबान शारिक अली को NPG मीडिया से, अल्लाह निगेबान।